देखो सीनियर लोग बैठते हैं अभी सीनियर बना रहे करेक्ट ना चलो ओके रोली ओके आयुष विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे पहले तो थैंक यू सो मच थैंक यू बॉलीवुड के डेब्यू के बाद जब आपका पहला मीडिया इस मीडिया के साथ बर्थडे होगा हाउ स्पेशल यू फीलिंग एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी नाइस आज मुझे आप सब लोगों के साथ पहले फिल्म प्रमोट करने के टाइम पे मिला था टुडे आई एम मीटिंग यू ऑल टू सेलिब्रेट माय बर्थडे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर मेकिंग टाइम एंड कमिंग एंड जॉइनिंग मी फॉर द सेलिब्रेशन इट्स वेरी नाइस दैट आई हैव सो मच ऑफ यू एंड सो मेनी कैमरास पॉइंटिंग एट मी ऑन माय बर्थडे लव यात्री का जी है नशा अभी भी है वो कि अभी थोड़ा उतर गया एंड यू स्टार्टिंग समथिंग अभी आपने और आगे करियर पे ध्यान दे रहे क्या मैं सर अभी दो दिन पहले आई हैव जस्ट कम बैक टू मुंबई अभी मैं सारे नरेशन स्टार्ट करूंगा सुनना अभी लोगों को मिल रहा हूँ डिसाइड कर रहा हूँ नथिंग हैज डिसाइडेड एज ऑफ नाउ बट आई थिंक वेरी सून इंशाल्लाह आई विल बी अनाउंसिंग समथिंग बट अब धीरे धीरे नवरात्रि की जर्नी खत्म हो गई है अब नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करने का टाइम आ गया मेरे लिए लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट है मेरा बेटा आहिल और वो हर साल मुझे ये बात रियलाइज कराता है कि ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ एंड द बिगेस्ट गिफ्ट गॉड कुड हैव गिवन मी But other than Ahil, I would say the biggest gift that I have this year is people's love. This year, I've got a lot of love for my film, for the songs. People have shown immense amount of support. The media has given me a lot of support. So I think that's my gift. Okay, this year, like you said, Ahil, your best gift is your life's life. Did he say something first? What did he say? Or was it a normal day? He thought it was a Halloween party yesterday. So Ahil ne kal jab bahar aaya to usne mujhe bola papa is it a Halloween party? So I said no it's my birthday. Your birthday? So he is it was more like surprising for him that papa also has a birthday. What is Salman Khan like? Really wish you actually. Yeah. He was very sweet that he came all the way from he was in Panvel. He drove down, he came all the way for the birthday and he had to go back because he had to go for Big Boss. But he came and you know for me he's a father figure. For having his presence with me, his support being there for my birthday, it's always very special. What about politics? Near future, will you be joining politics? Sir, right now I'm enjoying this phase. I can't say never say never, but maybe in future I might. But for now, I think I would like to pursue. I want to work harder towards acting, pursue my goal as an actor, and then maybe in future I might. आयुष हम सब जब जन्मदिन मनाते हैं या जन्मदिन की तैयारियां शुरू होती हैं तो हम होते हैं कुछ लोगों की विशेज हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं तो आपके लिए वो लोग कौन लोग थे या जो मिडनाइट विशेज होती हैं जिनका इंतजार होता है तो वो क्या कुछ रहा आपकी जिंदगी में मेरे लिए मेरे पेरेंट्स उनकी विशेज बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं दे स्टे इन हिमाचल सो व्हेन दे कॉल मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन हिमाचल एवरीबॉडी स्लीप्स एट 10 o'clock वो 10 बजे सोते हैं तो उनको 12 बजे जागना इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी उनके विशेज आर वेरी इंपॉर्टेंट माई मदर इन लॉ उनकी विशेज बिकॉज वेन एवर शी ब्लेसेज मी और विशेज मी समथिंग यू नो सो मच ऑफ प्योरिटी इन हर दैट आपको लगता है कि यार यू नो इट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट एंड ऑब्वियसली माई सन हु वोक मी अप टुडे मॉर्निंग एंड सेइंग पापा हैप्पी बर्थडे अच्छा जैसे आप बता रहे हैं हिमाचल की बात या मंडी की बात जी किस तरह से वहाँ जन्मदिन मनाते थे और क्या कुछ चीज़ें मिस करते हैं आप सर बैक इन द डे मेरा जन्मदिन काफ़ी सिंपल था मेरे डैड का थोड़ा कहना था कि डोंट सेलिब्रेट योर बर्थडे लेट पीपल सेलिब्रेट योर बर्थडे सो वर्क हार्ड दैट वन डे पीपल सेलिब्रेट योर बर्थडे यू डोंट हैव टू सेलिब्रेट इट सो एंड व्हेन आई वाज स्मॉल काफ़ी सिंपल था वी यूज्ड टू गो फॉर डिनर्स एंड व्हाटएवर यूजुअली दिस टाइम इज अ दिवाली टाइम दिवाली के आसपास तो कोई ना कोई अच्छी बड़ी फिल्म आती है तो आई टू गो वॉच अ फिल्म गो फॉर अ फैमिली डिनर एंड दैट वॉज माई बर्थडे मेरा बहुत सारे हैं बट आई थिंक सबसे बेस्ट वेल आई रिमेंबर मैं छोटा था ना मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है बट व्हेन आई वाज यंग एक वो फोन्स आते थे ना मोबाइल फोन जो पहला मोबाइल फ़ोन मिलता है बर्थडे गिफ्ट पे आई थिंक दैट्स व्हाट आई रिमेंबर बिकॉज वो सबसे वेट करना पड़ा मुझे फ़ोन लेने के लिए अच्छा स्कूल का कोई ऐसा बर्थडे जो हमेशा याद रहेगा या कॉलेज का या दोस्तों का I remember one of my earliest birthdays. उस टाइम मैं शिमला में पढ़ रहा था सो दैट टाइम इन माई स्कूल आई मस्ट बी अबाउट 4 or 5 एंड दैट टाइम द टीचर्स हैड ऑर्गेनाइज वन थिंग यू नो दैट स्मॉल थिंग ऑफ बाइंग स्वीट्स
going and distributing sweets to all the kids. And that day, I remember I was wearing a suit. Everybody was in this thing, but I wore a suit and I went to celebrate my birthday and I was giving sweets. I think that's one of the most memorable birthdays. And that day I sat next to my teacher because it was my birthday. The special student. Yeah. Yeah. Who was the first one to wish you? Who was the first one to wish me? My wife. She was there right next to me and she makes sure that she's the first one to wish me. Now you've started earning as a thing is a social initiative hota hai jo birthday ke din, you know, there are lots of people who try to do something. Is tarah se bhi kuch hai kya kuch saalon se ya even planning? Yes sir, yes sir. I want to get into, I have certain beliefs, kuch hai mere thought pe, ek toh mare paas itni important institution hai being human, so I always keep contributing to the big charity, but I always believe ki aap kuch bhi aise charitable ya social karo toh usko dil se karo without telling anybody, agar aap bata ke karo toh koi fayda nahi. Ji. Ayush, recently aap mandi gaye ji. जब आयुष मंडी से निकले थे तब स्टार नहीं थे, अब एक फिल्म के बाद जब आप वापस गए हो, सो मेरे लिए दे वर वेरी एक्साइटेड. मंडी के लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी लविंग थे, बट मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं बहुत यूज टू हूँ मंडी की स्ट्रीट्स पे नॉर्मली वॉक करने के लिए. अभी वो अलाउड नहीं था मुझे करने के लिए, तो जहाँ भी जा रहे थे क्राउड था, लोगों का प्यार था, और फॉर सम ऑड रीज़न मुझे स्टेज पर बिठा दिया. सो आई वॉज नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल बींग ऑन स्टेज, तो मैं जंप करके उनके साथ क्राउड पे जाके इंटरेक्ट किया, बिकॉज आई ग्रोन अप इन मंडी, सो दे आर माई पीपल, मोस्ट ऑफ देम आर माई फैमिली, सो दे वर वेरी एक्साइटेड. इट वॉज फनी दैट दे वर ट्रीटिंग मी लाइक अ मूवी एक्टर, बिकॉज फॉर मी आई एम स्टिल द सेम गाय. नवरात्रि कैसा रहा? Because you had visited lots of Navratris actually. What kind of a love did you get? Because we had seen thing was it was very nice. All the from many promote cast, after the film I went to Surat, Ahmedabad, Baroda. What energy Navratri ke time pe they have, the garba and the kind of you know, dunko chogada itna famous hai wahan par, everybody was dancing on chogada, so yeah, it was a very good experience unke sath Navratri karne mein aur thoda garba karne mein jo maine film mein nahi kiya hai unke sath aur garba seekhne ko mila, to bahut acha laga. Ajit Singh sahab, response kitna mila, aapne kitna expect kiya tha? Sir, for me, I always wanted this film to reach maximum number of people. एक पहली फिल्म का इनिशिएटिव होता है कि लोग आपको रिकग्नाइज करें, आपको एटलीस्ट पहचान जाएँ. तो आई थिंक बिफोर इवन माई फिल्म रिलीज, माई म्यूजिक हैड डन दैट फॉर मी. दे म्यूजिक हैज़ वर्क, पीपल हैव एक्सेप्टेड छोगाड़ा, लाइक बींग अ गुजराती गरबा सॉन्ग, इट प्लेज इन दिल्ली, इट प्लेज इन कोलकाता, इट प्लेज इन साउथ. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस दैट दे पीपल हैव गिवन टुडे. वेर एवर आई गो, पीपल आर लविंग एंड कॉल मी द छोगाड़ा बॉय. सो आई फील दैट द काइंड ऑफ लव आई वॉन्टेड टू डू अचीव दैट आई हैव गॉट. I wanted to reach the maximum number of people, and that I've done. This is just the beginning. I hope I'll keep get stronger from there. I mean, out of India. जी, yeah, out of India. I have videos coming from कोई New York में कोई dance कर रहा है छोगाड़ा पे, कोई London में dance कर रहा है, कोई Dubai में perform कर रहा है. तो I think I'm very happy that this song has given me identity. अच्छा, another thing is कि you're looking out for script actually. जी. किस तरह के script रहे कि पहले तो सलमान खान was the mentor. जी. Again, script wise, would you be like, you know, उनकी जितना मैं बाहर जाके काम करूँगा उतना मुझे सीखने को भी मिलेगा और नए लोगों के साथ काम करने को मिलेगा तो और एक्सपीरियंस मिलेगा. तो डेफिनेटली आई एम ओपन टू वर्किंग आउटसाइड, आई एम ओपन टू एनीबडी, सो फ्रॉम योर मीडियम एनीबडी हु वांट्स टू कास्ट मी आई एम रेडी. जी 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 बट नाउ हाउ यू नो वुड यू बी लाइक टेकिंग हिज गाइडेंस अगेन? सर, इट इज आई विल बी अ फूल इफ आई डोंट टेक हिज गाइडेंस. ही इज 30 इयर्स इनटू द इंडस्ट्री, ही सीन हिज हाईज, हिज लोज, एवरीथिंग. So for me, I believe that I have him as a mentor, as a guide, and every time if I'm signing something, I would definitely run it by him, make him hear it, because you know he always comes with those little inputs which really make a film. So I believe that I'll definitely do. जी 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 जी
काफ़ी पॉइंटर्स मिले. टचवुड मुझे ऐसे क्लोज लोगों के साथ मैं सराउंड रखता हूँ जो बहुत ऑनेस्ट हैं और ऑनेस्टली से बात करते हैं. तो कई लोगों ने मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, कई लोगों ने बताया कि मुझे नेक्स्ट फिल्म में कहाँ कहाँ डेवलप करना है, कहाँ कहाँ और वर्क हार्ड वर्क करना है. बट मेरे लिए मेरे फादर इन लॉ सलीम साहब, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया. उन्होंने जब फिल्म देखा तो उन्होंने बस मुझे ये बोला कि कई फिल्म की डेस्टिनी नहीं लिखी जाती है, बट दिस फिल्म हैज़ यू आर शाइनिंग इन द फिल्म. इट्स लाइक मेरे लिए यू हैव सरप्राइज्ड मी. फिल्म बहुत अच्छी थी बट यू हैव सरप्राइज्ड मी एंड दैट इज समथिंग दैट इज माई बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट. जी 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 आई विल बी इंक्लूडेड. मैम ये तो पब्लिक के हाथ में. मेरा काम है हार्डवर्क करना, जो मेरे स्क्रिप्ट मेरे पास है उस पर मैं काम कर सकता हूँ. बट आई जेन्युइनली फील कि अभी मैं स्टार्ट हुआ हूँ, अभी मुझे अपने आप को एक्टर कहलाने के लिए बहुत फिल्में करना बाकी हैं, बहुत काम करना बाकी है. आई थिंक अगर इंशाल्लाह मेरा 20 साल का करियर हुआ तो 20 साल के बाद जब मैंने बहुत सारे फिल्में में काम किया होगा, हाइज देखे होंगे, लोज देखे होंगे, तब मैं अपने आप को एक एक्टर बोल सकता हूँ. फॉर नाउ आई थिंक मैं लोगों को एंटरटेन करना चाहता हूँ. सर आई फील मेरा एक जनरल मानना है कि आप सीनियर एक्टर्स को भी ले लीजिए, वो भी अपनी हर फिल्म में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं. सो ग्रोथ कैनॉट स्टॉप, वो तो आप स्टैग्नेंट कभी हो ही नहीं सकते. बट आई बिलीव कि मुझे और सीखना है. अभी फॉर नाउ आई वॉन्ट टू एंटरटेन माई ऑडियंस, आई वॉन्ट पीपल टू कम इन टू थिएटर्स विद द फैमिली, हैव अ गुड टाइम, दे डांस विद मी, दे क्राई विद मी, इफ आई एम डूइंग एक्शन दे इन्जॉय द एक्शन विद मी. सो गिव देम एवरीथिंग दैट दे वॉन्ट एंड वो वैसी फिल्में मुझे पसंद है. तो आई लाइक टू एंटरटेन पीपल विद टाइम. डेफिनेटली आयुष्मान एंड राजकुमार आर डूइंग ग्रेट स्टफ, देयर फिल्म्स आर लुकिंग वेरी गुड, वेरी इंट्रीगिंग फिल्म्स. सो वेन एवर एन अपॉर्चुनिटी अराइजेज एंड देयर इज अ गुड स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्टर वॉन्ट्स टू वर्क विद मी, आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दोज फिल्म्स ऑल्सो. जी 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 मैम फंसा दिया आपने मुझे. नहीं बट आई वुड से द पॉजिटिव्स इज दैट ही इज़ वेरी पॉजिटिव. उनका ऑप्टिमिज्म है जो इज़ माइंड ब्लोइंग, यू नो. उनको पॉजिटिव लिखो ही डजन गेट अफेक्टेड, उनको नेगेटिव लिखो ही डजन गेट अफेक्टेड, ही जस्ट कीप्स वर्किंग एंड दैट इज समथिंग दैट आई वॉन्ट टू इम्प्लाई ऑन माई लाइफ. हम लोग सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, हम सबका रिव्यू पढ़ते हैं, सबका क्रिटिक पढ़ते हैं, सबके कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ लेते हैं, तो हम दोनों जगह बहुत स्वे होते हैं. विद हिम ही इज़ वेरी बैलेंस्ड. सो आई थिंक आई वांट टू अचीव दैट, कि बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, नोइंग कि उनको क्या करना है. नेगेटिव्स मैं क्या सेफ आंसर दूँ तो आई थिंक आई लाइक टू स्लीप ऑन टाइम. जी थैंक यू. लास्ट क्वेश्चन. सॉरी मैम, सॉरी मैम, मुझे अर्पिता दीदी उन्होंने अर्पिता दीदी प्रॉब्लम सॉल्व की. जी हार्दिक शुभकामनाएं. थैंक यू सर. यू कम अक्रॉस अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग एंड इंटेलिजेंट पर्सन. थैंक यू सर, आई एम वेरी हैप्पी. अब आपको लगता है आप सहज हो गए हैं, आत्मविश्वास और बढ़ गया, कॉन्फिडेंट हो गए आप, चाहे मीडिया के साथ में हो, पब्लिक के साथ में? जी सर, अब तो बढ़ गया, बिकॉज लाइक यू सर फेमिलियर फेसेस. Now when I see people who I know, most of all I've met during my promotion, so pretty much happy. It feels like interacting with my friends and family now. और दूसरा आप एक पहले अभिनेता हैं जो इस बात से सहज हैं कि आप विवाहित हैं और आपके बच्चे, लोग पहले सोचते थे कि चीजें छुपाई जाएं और ये सब की जाए, तो you have come across like and proved probably कि like these things आई फील योर मैरिटल स्टेटस हैज नथिंग टू डू विद योर वर्क. माई वाइफ, माई किड हैव ऑलवेज बीन अ सपोर्ट सिस्टम फॉर मी. टूडे ऑल्सो आई वुड से आई एम एवरी वॉट एवर आई एम टूडे इज बिकॉज ऑफ माई वाइफ, माई किड, बिकॉज ऑफ द लव, द सपोर्ट एवरी डे. यू नो एक आपको फैमिली होती है ना, तो आपको एक ड्राइव मिलता है कि यार आई नीड टू गो आउट देयर एंड प्रूव समथिंग, नॉट फॉर माई सेल्फ बट फॉर माई फैमिली. So I don't think so any marital status affects anybody. Aap jitne, there are actors who are married but they are doing great stuff,
there are stars who are married and they are doing great stuff. So I think if your work is good and people are enjoying what you're doing on screen, I think that's what's going to affect. Marital status, not nothing wrong. Besides acting, any other skill are you working, like maybe horse action? Actually, we really missed a bit action in the film. Yeah, yeah, really wanted to see, they could have put it action. But तो कई बार are you working on that? Sir, मेरे को ऐसा था कि I've really thought about action कि डालें, but मैंने सोचा कि यार पहली पिक्चर में सबको दिखा देंगे, दूसरे का मौका नहीं मिलेगा. इसलिए एक मिनट अभी मैंने डांसिंग दिखा दिया, नेक्स्ट मैं आपको एक्शन दिखाता हूँ. आई एम ट्रेंड इन एक्शन, आई एम ट्रेंड इन हॉर्स राइडिंग, सो आई डेफिनेटली वॉन्ट टू स्टेप इन टू एक्शन. आई वॉन्ट टू चूज अ नाइस फिल्म विच हैज़ अ लॉट ऑफ एक्शन, चेंज माई सेल्फ, गिव यू समथिंग न्यू. आई डोंट वॉन्ट टू बी स्टक इन वन कैरेक्टर कि ये रोमांटिक रोल्स ही करेगा. आई वॉन्ट टू कीप ऑफरिंग समथिंग न्यू टू ऑल ऑफ यू and explore myself also. It's not only it's not offering, but it's also finding myself ki what am I good at. So I think this film, before I started this film, I never knew how to dance. I was a non-dancer. This film has made me into a dancer. So I hope next film it makes me into an action actor as well. Ayush, thank you guys. Haan, Ayush, nepathya se aisi awaaz aa rahi hai ki aapne filmkar Sanjay Leela Bhansali ke saath bhi kuch aisi baatein hai ki aap unke saath kaam karenge, mulaqat ki. No, I have not. There's no film as such. I had just gone to meet Sanjay sir. He's a pioneer of the film industry, and he's been very kind in guiding me. He's been kind on helping me out and understanding what's going on. So I just went down to just say hi, hello to him. Nothing regarding a film. It is just about meeting him, meeting and sharing pleasantries. And now with Sandhya, with you, we will be expecting you to do endorsements and everything. Well, I would love to. Now, if Sandhya wants to make money for me, I'll be very happy. किस तरह के endorsements आप इससे जुड़ना चाहेंगे आप? Sir, I can sell anything. I will sell anything. जी, हाँ जी, I can sell anything. आप मेरे को right now exactly ऐसे में कहा बच्चा भी है, तो I can sell pampers, I can sell diapers, I can sell anything. Mr. Bachchan की तरह आप कुछ भी मतलब? No, I think sir, it's a good thing to have endorsements, because it more than money, it gives you visibility. आपका अगर आप इफ यू सी द थिएटर्स, दे आर वेरी लिमिटेड इन दिस कंट्री, सो द फिल्म डजंट रीपेनिट्रेट इन टू मासेस. टीवी इज अ वेरी गुड मीडियम टू रीच टुवर्ड्स द मासेस. आई थिंक एंडोर्समेंट्स ऑल्सो हेल्प यू इन अचीविंग दैट, बिकॉज कॉन्स्टेंटली आप आ रहे हैं एड्स में, कॉन्स्टेंटली आप दिख रहे हैं, एंड आई जस्ट स्टार्टेड आउट. So the more visible I am, it's better for me. So that's why endorsements are a very good thing. It helps you in both ways, financially and visibility. Sandhya is best for this. And lastly, aaj shaam ko party hai. Ji. Aaj shaam ko kuch samaroh hai. Sir, abhi hum log raat ke samaroh se sab jaag rahe hain. So I don't think so. Raat ko kuch hoga. I think raat ko I just want to take Arpit and Ahil for a nice dinner, quiet dinner. sir, I am married, sir. How can I make decisions? My wife will make decisions. Na kahan jana hai? Wherever she says, वहाँ जाके dinner खा लेंगे. कल के party में किन-किन गानों पे dance? Sir, कल हमने tubelight पे dance किया, और more than anything, क्योंकि मुझे एक ही गाना आता है छोगाड़ा तारा. मैं सबको उसी भी, जैसे मुझे नाचने को बोल रहे थे, आज लाइक छोगाड़ा गाना बजाओ, मैं उसी भी नाचूंगा. बट वरुण वॉज काइंड एनफ टू टीच मी टन टन आटन, ये डांस विद सोनाक्षी ऑन वो उसका वो गंदी बात. जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू.